हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रतिभा और आप सबका स्वागत है प्राट्स किचन में। आज हम बनाएंगे मैसूर मसाला डोसा। बहुत ही अच्छी डिश लगती है, सबको पसंद आती है। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको मैसूर मसाला डोसा कम पसंद हो या नहीं पसंद हो, और बनाने में ये बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस इसकी जो चटनी है वो रेडी करनी है और जो इसका आलू का मसाला है वो रेडी करना है। इसको आप बिफोर हैंड रेडी करके रखें और मैसूर मसाला डोसा बन जाएगा मिनटों में। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं आज। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम जो डोसे का बैटर है वो प्रिपेयर कर लेंगे, जिसके लिए मैंने इडली वाले चावल ले लिए। कच्चे चावल 2 कप ले लिए हैं मैंने यहाँ पर। साथ के साथ 1/2 कप उड़द दाल ले ली है, धुली और छिलके उतारी हुई। 1/4 कप चना दाल ले लिया है और 1 छोटा चम्मच मेथी दाने का ले लिया है। इन सभी चीज़ों को हम एक ही बाउल में मिक्स करके इसको अच्छे से वॉश करके हम कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। उसके बाद 6 से 7 घंटे के बाद ये देखिए दाल और चावल अच्छे से फूल गया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे, इसका बढ़िया बारीक पेस्ट बना लेंगे हम। इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक अच्छा बैटर रेडी हो गया है यहाँ पर। इसको अब मैं ढककर पूरी रात के लिए फर्मेंट होने के लिए रख दूंगी या जब तक ये साइज़ में डबल नहीं हो जाता। ये देखिए दोस्तों, बैटर बिल्कुल अच्छा फर्मेंट हो चुका है। ये देखिए, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ी सी इसकी एयर जो है वो निकल जाए। और यहाँ पर मैं ऐड करूँगी इसमें नमक स्वाद के अनुसार, और डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसमें 2 छोटे चम्मच सूजी का डालूंगी। आप चाहें तो सूजी डालें, चाहें तो इसको रहने दें। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हमारा डोसा बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी है डोसा बनाने के लिए। इसको अब मैं एक साइड में रखूंगी अच्छे से मिक्स करके, और उसके बाद हम आलू का मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन में 1 बड़े चम्मच तेल का डाल लिया है, साथ के साथ 1/2 छोटा चम्मच राई दाना डाला है, 1/2 छोटा चम्मच जीरे का डाला है, 1/2 छोटा चम्मच उड़द दाल डाल दी है, 1/2 छोटा चम्मच चना दाल डाली है यहाँ पर मैंने, साथ के साथ 2 लाल मिर्चें डाल दी हैं। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 10 से 20 सेकंड के लिए कुक करने के बाद मैंने इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं चॉप की हुई, 10 से 12 करी पत्ते डाल दिए हैं। इन सभी चीज़ों को भी हम अच्छे से स्टर करेंगे ताकि जो करी पत्ता है वो भी अच्छे से तड़क जाए यहाँ पर। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी नमक और साथ के साथ 1/2 छोटा चम्मच हल्दी का। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं ऐड करूँगी उबले हुए आलू, जिनको कि हम ऐसे हाथ से ऐसे तोड़ के डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं उबले हुए। इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। दोस्तों, इसको बहुत नहीं भूनना होता है, सारे मसाले जो हैं वो तेल में ऑलरेडी पक चुके हैं और आलू के अंदर इसका अच्छा फ्लेवर आ जाता है। ये देखिए दोस्तों, आलू अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं यहाँ पर डालूंगी धनिया का पत्ता, और धनिया के पत्ते को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके गैस को बंद करके इसको मैं एक साइड में रख लूँगी। अब मैं तैयार कर रही हूँ रेड वाली चटनी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 मिर्चें ले ली हैं, जिसको मैंने 1/2 घंटे के लिए अच्छे से भिगो लिया है और मिर्चें यहाँ पर फूल गई हैं। इसको अब मैं ग्राइंडर जार में डाल रही हूँ। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाल दी हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 बड़े चम्मच भुनी हुई चने की दाल डाल दी है। नमक डाला है स्वाद के अनुसार और 1 छोटा चम्मच इमली का पानी डाला है, 1 चम्मच जीरे का डाला है। इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा पानी डाल के हम बारीक पीस लेंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया चटनी पिस गई है। इसको भी मैं अब एक साइड में रखूंगी और अब हम डोसा बनाएंगे। डोसा बनाने के लिए मैंने एक गरम तवे पर डोसे का बैटर फैला लिया है इस तरीके से। जो हमारा तवा है वो मीडियम हीट पे है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। दोस्तों, डोसे को फैलाने के बाद यहाँ पर मैं मक्खन लगा रही हूँ। आप मक्खन, तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चटनी को अच्छे से फैला लें। चटनी को फैलाने के बाद मैंने 2 चम्मच आलू का मसाला लिया है, उसको मैं अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। आप चाहें तो मसाला कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और डोसा जब अच्छे से कुक हो जाए दोस्तों, जिसमें 4 से 5 मिनट लगेंगे, इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से, और फोल्ड करके इसको अपनी चॉइस की किसी भी चटनी के साथ या सांभर के साथ सर्व करें। मेरे यहाँ दोस्तों लाल चटनी जो प्याज वाली बनती है, जिसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, उसके साथ ये सब लोग बहुत शौक से खाते हैं, तो मैं इसको उसके साथ ही परोसती हूँ। आप अपनी चॉइस की चटनी बनाएं और मुझे बताएं ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ प्रैक्टिस किचन में।